महाराज जी हम क्या कहें, श्री ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप जो रिश्ता उनसे जोड़ लो वही रिश्ता वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना अनुज माना, मेरा छोटा भैया है, मैं दादा हूं उसका। तो ठाकुर जी ने पूरा निर्वाह किया, चक्र चरितम आप पढ़ करके देखो, पूरा ठाकुर जी ने निर्वाह किया। उनको कुछ लिखना पढ़ना था, एकांत चिंतन करना था, तो मन में हुआ हमको जगन्नाथपुरी जाना है, तो जगन्नाथपुरी में महीना दो महीना रुकेंगे। अब एक तो उड़ीसा प्रदेश, कोई परिचय नहीं, कोई भगत नहीं, कोई प्रेमी नहीं, और उनका मन वहाँ जगन्नाथपुरी रह करके कुछ लेखन कार्य करना था, कुछ अनुष्ठान करना था। तो चक्र जी ने 15 पैसा का पोस्ट कार्ड जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया, 15 पैसा का पोस्ट कार्ड। उस पोस्ट कार्ड में लिखा, मेरे प्रिय कनु, खूब खूब आशीर्वाद, मैं आ रहा हूँ और 2 महीने तुम्हारे पास रहूँगा, मेरी व्यवस्था करना, तुम्हारा अग्रज चक्र। और पता, श्री जगन्नाथ मंदिर। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो पत्र जगन्नाथ जी तक पहुंचा होगा? वैसे देखा जाए इस तरह कोई लिख देगा तो कौन किसके भाव को समझता है, कौन पद पहुंच समझेगा? अरे मेरे प्रिय कनु आशीर्वाद, ये कौन है आशीर्वाद देने वाले भैया? ऐसे किसी ने लिख दिया पत्र, पर ठाकुर जी हृदय की भाषा पढ़ते हैं और पत्र लिखकर छोड़ा और चल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। और वहां जगन्नाथ जी ने रिसीव किया उनको रेलवे स्टेशन से, ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था की और एक भवन में ले गए ठाकुर जी। बोले दादा ये आपके लिए ठीक है, बगीचा था, कमरा था, सब रहने का प्रबंध था, खाने पीने का सारा प्रबंध था, और 2 महीना रहे फिर चले। किसने किया? अरे झूठे मुंह से कुछ निकल जाए तो ठाकुर जी उसको सच्चा करते हैं। तुम थे हमारे साथ कि नहीं जब नाथद्वारा गए? नहीं थे, शायद योगेंद्र जी थे, त्यागी जी थे। तो हमको कारोई जाना था, कारोई पंडित जी के यहाँ, नाथद्वारा वाले पंडित जी के यहाँ, और रेवासा महाराज का आग्रह था कि उनके यहाँ होते हुए जाओ। उस समय हमारे कमर में बहुत तकलीफ थी, टेलबोन में, L4 L5 में, रीढ़ की हड्डी में, तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे थे। तो रेवासा महाराज ने कहा, वो पंडित जी हैं कारोई वाले पंडित नाथूलाल जी, उनसे आप पूछ लो कि हम ऑपरेशन कराएं कि नहीं कराएं। वो कह दें कराओ तो करा लो, वो मना करें तो बिल्कुल मत कराना। तो हम तो ये श्रीनाथ जी जाना था रास्ते में उनका गांव, तो उनसे मिलते हुए पूछ के चले जाएंगे, इस भाव से हम वहाँ गए। बीच रास्ते में रेवासा महाराज का फोन आया, बोले आप वहाँ जा रहे हो तो रात में रुकोगे नाथद्वारा में? कहाँ रुको, कोई परिचय है, कोई भगत है, कहाँ रुकोगे नाथद्वारा में? तो हमने उनसे कहा कि कोई मनुष्य से परिचय तो हमारा नहीं है, पर श्रीनाथ जी से हमारा परिचय है, ऐसे ही कहा। तो क्या कहें, ठाकुर जी से परिचय तो सबका है, हमने कहा श्रीनाथ जी से परिचय है। इसके बाद वो टावर चला गया मोबाइल का और महाराज से संपर्क ही नहीं हो पाया और हम लोग वहाँ पहुँच गए। सच्ची बात थी कि ठहरने की कहीं कोई प्रबंध पहले से नहीं था, और उस दिन जब सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर पर हवेली गए तो वहाँ क्या विचित्र घटना घटी, वहाँ दर्शन ही नहीं हो रहे थे उस दिन,
बोले आज ठाकुर जी की संध्या शयनारती भीतर ही हो गई है, आज दर्शन खुले ही नहीं। कई बार श्रीनाथ जी में ऐसा हो जाता, ग्वाल आरती संध्या शयन सब भीतर हो जाते, मंदिर दर्शन नहीं खुलता। बोले आज दर्शन नहीं खुले, अब तो कल दर्शन होगा। नहीं, हम लोगों का मन था कि दर्शन हो जाए तो फिर वापस हो जाए, तो दर्शन भी नहीं हुआ। तो एक बल्लभ कुली तिलक लगाए, एक पाग बांधे, एक सज्जन आए, पंडित जी जैसे आए। आकर उन्होंने कहा, महाराज जय श्री कृष्ण। हम कि जय श्री कृष्ण, आओ भीतर चलो। आप थे ना संग में, योगेंद्र जी थे संग में, हम लोग भीतर चले गए। मंदिर बंद है, हम लोग भीतर चले गए। कोई सोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई VIP टिकट नहीं। वहाँ पहुँच गए तो सबको इतना बड़ा बड़ा लड़ुआ और ऊपर से दक्षिणा, और बोले रुके कहाँ हो आप? तो हमने कहा कि नहीं अभी तो कहीं नहीं रुके हैं। रुकने का? बोले कहीं। हमने कहा कहीं रुक जाएंगे? नहीं नहीं, रुकने का पूरा प्रबंध है आपका। पास में ही मंदिर के निकट एक धर्मशाला में हम लोगों को रुकवाया। तो एक ले गए सज्जन हमको धर्मशाला में, और ये नहीं कहे एक कमरा दे दें, बोले ऊपर मंजिल में जितना आप जैसे चाहो वैसे रह जाओ। यही बात है ना। और महात्मा लोग खूब फैल फुट सोए, अलग अलग कमरा में पंखा कूलर चला चला गया। अब आया ब्यारू का प्रसाद, इतना प्रसाद आया भैया जी, इतना प्रसाद आया कि फिर ये विचार किया गया कि हम 8-10 लोग होंगे शायद, क्यों हैं 7-8 लोग तो थे, कम से कम 7-8 मूर्ति थे, वो हम लोग पा ही नहीं सकते थे उतना। तब ये विचार किया गया कि गीला गीला पालो और सूखा सूखा रख लो। तो जो सूखा सूखा प्रसाद रखा गया, गीला गीला पाया गया, कुछ मिष्ठान भी पाया, 25 आदमी पालें इतना प्रसाद आया ठाकुर जी के यहाँ से। खूब तृप्त होकर हम लोगों ने बढ़िया से तो स्नान किया, संध्या किया, बढ़िया से खूब ब्यारू करी और प्रसाद वृंदावन तक रहा। सवेरे हम सोचे कि भाई अब इनको धर्मशाला में रुके हैं और इतने कमरे हम लोगों ने लिए हैं तो इनकी कुछ सेवा करें। तो बहुत कहने के बाद भी 1 रुपये की सेवा नहीं करने दी। उल्टे एक लिफाफा और दिया एक ब्रजवासी ने, बोले हम तो जतिपुरा के हैं बाबा, जब श्रीनाथ जी आए तो उसी समय उनके साथ चल के आए थे, और ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, हमारी सेवा तो लेनी पड़ेगी, हम ब्रजवासी हैं, आप ब्रजभूमि से आए हो महाराज, ले लो। लिफाफा हमने ले लिया, उसमें मोटी दक्षिणा थी। हाँ, ऐसी पथमेड़ा जा रहे तो ऐसी वहां लिफाफा दिया, देखो उसमें 21,000 रुपये निकला। बोले अब वो इतने पीछे पड़ गए भैया जी, वो कहे बाबा ये तो श्रीनाथ जी की इच्छा है, आप पथमेड़ा जा रहे हो, गो सेवा कर देना। मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी श्रीनाथ जी ने गो सेवा भेजी है। ये है प्रथम द्वितीय उत्सव की बात है, गो नवरात्रि वाले उत्सव। तो केवल ऐसे मुंह से थोड़ा सा निकला कि हमारा किसी मनुष्य से परिचय नहीं है, हमारा श्रीनाथ जी से परिचय है। तो श्रीनाथ जी ने उसकी ऐसी लाज रखी कि हम लोगों को ऐसे लगा कि जैसे जमाई अपनी ससुराल में चला जाए और जमाई के लिए सब स्वागत सत्कार में तैयार रहें, ऐसी पहुनाई हुई वहाँ। ठाकुर जी कितने करुणामय हैं। अरे महाराज भगवान जगतगुरु हैं, कृष्णम वंदे जगतगुरु, और जगतगुरु भगवान को कोई कह दे कि ये हमारे चेला हैं तो भगवान चेला बनने के लिए तैयार हैं।